हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे सामने ये आप देख रहे हैं मधुमालती का प्लांट रखा हुआ है। मधुमालती के प्लांट जो कि आप लोग जानते हैं समर सीजन का प्लांट होता है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें फूल खिलते हैं, लेकिन ये वही प्लांट है जो बोगनवेलिया के टब में लग गया था एक्स्ट्रा। तो मैंने इसको छोटे से गमले में लगाया था, लेकिन गमले में ग्रोथ कम हो रही थी तो मैंने इसको बाल्टी में शिफ्ट कर दिया था। उस पर भी सारे वीडियोस मेरे इस पर मैंने डाला था आप लोगों के साथ, मैंने हर बात इससे इसकी शेयर किया था। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगी और बताऊंगी इसकी जो इस समय केयर है वो कैसे कर सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे। और इस समय इसका सीजन चल रहा है तो नर्सरी में बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कटिंग से कम एक प्लांट से तीन प्लांट बनाए हैं। एक तो ये है और दूसरा, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये है, ये दूसरा है, देखिए गमले में लगा हुआ है। और तीसरा मैं दिखाती हूँ जो इसका इन दोनों का मदर प्लांट है, ये देखिए। इसमें तो फ्लावरिंग भी होने लगी है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं। तो ये देखिए आप लोग देख सकते होंगे, ये कटिंग से ही मैंने तैयार किया है तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही प्यारा प्लांट है, इस समय इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। और अगर अभी थोड़े दिन में देखिएगा जब बारिश होगी तब इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी और कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, आप देखते रह जाएंगे। इस समय जिनके यहाँ लगा है ये देखो कितनी ज़्यादा कलियाँ बन रही हैं, हर टहनी पे कली बनी है। तो आज मैं बात करूँगी इसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए, या कली नहीं आ रही है आपके प्लांट में या फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसको कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। और पहले भी वीडियो मैंने डाला है कि मधुमालती के प्लांट को कैसे तैयार करना है समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है और आज फिर से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो नॉर्मल आपके घर में फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है और बना के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मधुमालती के प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब समर सीजन शुरू हो रहा था तो दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मधुमालती के प्लांट को कैसे तैयार करना है। तो ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है और जो सबसे पहले वाला दिखाया था ये वाला भी मेरा कटिंग से ही तैयार किया है। और ये मधुमालती जो है ये मदर प्लांट है और इन्हीं से मैंने सारे बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। कुछ बातें बताऊँगी तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए कि मधुमालती के प्लांट में बहुत ज़्यादा इस समय जो है फ्लावरिंग हो रही है तो कैसे फ्लावरिंग। अगर नहीं हो रही है आपके प्लांट में तो आप लोग जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ अगर आप वैसा ही करेंगे तो आपके मधुमालती प्लांट में ज़रूर कलियाँ बनेंगी और आप एक महीने के अंदर देखेंगे आपके प्लांट में कलियाँ ज़रूर बनेंगी अगर आपने जो मैं बताने जा रही हूँ वो चीज़ें कर लिया तो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो, आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है आपको। तो सबसे पहले अगर आपके पास प्लांट है तो उसको थोड़ा सा रिपोर्ट कर दीजिए जब समर सीज़न शुरू होता है, और रिपोर्ट करने के साथ उसको थोड़ा सा प्रूनिंग कर दीजिए जब समर सीज़न शुरू होता है। और अगर आपने इतना कर लिया है, प्रूनिंग कर लिया है, रिपोर्टिंग कर दिया है, उसकी रूट्स अगर बाउंड हो रही हैं वो हटा दिया है और फिर भी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जो आपके घर में किचन वेस्ट से जो तैयार किया जाता है सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है, हर 15 दिन पे आप डालिए इसमें। और किचन वेस्ट में आपको मैंने बताया था कि उबली हुई चीज़ें नहीं डालनी है, उबली हुई या नॉन वेज चीज़ें नहीं डालनी है उसमें। उस फर्टिलाइज़र में आपको सिर्फ़ हरी सब्जियां, लहसुन प्याज का छिकले जो निकलते हैं, हरी सब्जियों के छिकले, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डालना है लिक्विड फर्टिलाइज़र में। तो जो कि मैं खुद करती हूँ और मैंने अभी इसको कल फर्टिलाइज़र दिया, हर 15 दिन पे या हफ्ते भर में जब आप तैयार कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार
इस समय आप दे दीजिए, वो भी फर्टिलाइज़र देने का समय क्या है, शाम को, शाम टाइम 5-6 बजे आप फर्टिलाइज़र सारे प्लांट जितने भी फ्लावरिंग वाले हैं सबको दे दीजिए। तो शाम को देने का फ़ायदा ये होता है कि शाम को आप देंगे, रात भर में सारी जो फर्टिलाइज़र होती है वो पूरे प्लांट में पहुंच जाती है, एक एक टहनी में मतलब जो है पहुंच जाती है। तो आपको शाम को ही फर्टिलाइज़र देना है। और क्या देना है, आप इस समय मार्केट में बहुत सारी खादें मिलती हैं फ्लावरिंग वाली, ज़्यादा फ्लावर वाले जो खादें होती हैं, जैसे कि पोटास है, बोन मील है, DAP है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। मतलब अगर आपका पॉट मान लीजिए 12 इंच या 8 इंच या 16 इंच का है, उस हिसाब से आप अपने गमले के हिसाब से, बड़ा गमला है तो थोड़ा सा बड़ा चम्मच लीजिए और उसमें क्या करिए, एक चम्मच भर के बोन मील डालिए चारों तरफ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और आपको डालना है पोटास, पोटास आपको याद रखिएगा, अगर 8 इंच का गमला है तो आप एक चम्मच डालेंगे, 12 इंच का गमला है तो आप उसमें 1.5 चम्मच डालेंगे, अगर 16 इंच का गमला है तो आप उसमें 2 चम्मच भर के पोटास डालेंगे, इतना आपको याद रखना है। पानी आपको इस समय जो मई की गर्मी चल रही है, आप लोग जानते हैं पेड़ों की कंडीशन क्या है, हमारे पेड़ कितने ज़्यादा जो है शॉक में हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन कुछ प्लांट हमारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सनलाइट के होते हैं, गर्मी के होते हैं, उनसे तो धूप बर्दाश्त हो जाती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे गार्डन में होते हैं जिनसे इस समय की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, वो सहन नहीं कर पाते। तो मधुमालती का प्लांट जो है फुल सनलाइट का प्लांट है, ये तो सभी को पता है और बहुत सारे घरों में देखा होगा, ये मतलब बालकनी में लगा होता है, हम लोग तो गमले में लगाए हैं, लेकिन ज़मीन में लगाने वाला प्लांट होता है, ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसको ज़मीन में लगाइए या गमले में लगाइए, गमला इसके लिए बड़ा ही होना चाहिए जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, इसकी रूट्स बाउंड ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो है आपको ज़मीन में अगर लगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ गमले से ज़्यादा अच्छी मैंने देखा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा प्लांट गमले में लगा हुआ है और ज़मीन में जो लगता है वो बहुत फैलता है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें फ्लावरिंग होगी, एक एक टहनी में पूरा फ्लावर से भरा रहता है। तो ज़मीन और गमले का यही फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन उसको ज़मीन से मिलते हैं जो ज़मीन में लगा होता है, पानी मिलता है, अंदर मॉइस्चर मिलता है, वो मॉइस्चर हमें गमले में इसको देना होता है। तो हमारा जो ये प्लांट लगा है ये प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ है, प्लांट काफ़ी हेल्दी था और ग्रोथ हो रही थी इसकी अच्छी, तो मैंने बड़ी बाल्टी में लगा दिया था, तभी ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा, देख सकते हैं काफ़ी घना है, ये देखो बहुत घना है। और अभी बारिश होगी, बारिश के बाद तो ये बहुत घना हो जाएगा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो आपको यही सब चीज़ें देखनी है। और जैसा कि मैंने बताया फुल सनलाइट का प्लांट है, शेडी एरिया में इसको नहीं रखना है। पानी आपको हर दिन सुबह डालिए या फिर जो है सुबह तो मैं नहीं कहूँगी डालने को, क्योंकि मैं हर दिन शाम को ही पानी डालती हूँ, वो भी एक दिन छोड़ के, जैसे मैंने आज पानी दे दिया फिर कल नहीं दूंगी, परसों फिर पानी दूंगी इसको, क्योंकि इस समय जो गर्मी चल रही है उसकी वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी लटक जाती है, अगर एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो इसकी पत्तियाँ लटक जाएंगी, मरी मरी से हो जाएंगी और इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो आपको पानी देना कब है, शाम को दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो है सुबह अगली मॉर्निंग में प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, बिल्कुल खिला खिला सा, एक एक पत्तियाँ खिली खिली सी रहती हैं। तो शाम को पानी देना ज़्यादा हमें बेहतर लगता है, तो शाम को ही पानी देने हैं। खाद मैंने बताया आपको कौन कौन सी देनी है, आप लोग यही खाद डालिए, इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप हर 15 दिन पे इसमें देंगे तो यकीन मानिए आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे अपने प्लांट को कि वो पूरा फ्लावरिंग से भर जाता है। अगर आपके जो है प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है और आपने वही टिप्स अपनाया जो मैंने बताया है, तो यकीन मानिए 15 दिन या 20 दिन के बाद आप खुद देखेंगे आपके प्लांट में कलियां भी बनेंगी, फ्लावरिंग भी होगी और आपका प्लांट हेल्दी भी होगा। अच्छा, हम लोग जो गार्डन लवर्स होते हैं वो उनका एक मकसद होता है, आपको मैं बताती हूँ, प्लांट छोटा हो या बड़ा हो, फ्लावरिंग वाला हो या ना हो, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। फ्लावरिंग तो बात की बात है, जब हमारा प्लांट हेल्दी होगा तो वो फ्लावरिंग भी करेगा और जो है कलियां भी बनाएगा।
तो जब हम अपने प्लांट को मतलब जो है हेल्दी रखेंगे, उसके लिए उसको अच्छी सी खाद पानी देंगे, और इस समय जो इसका सीजन चल रहा है तो इसमें भर भर के खाद दीजिए, जो भी खाद दीजिए खूब अच्छे से दीजिए, और फिर देखिए आपके प्लांट में फ्लावरिंग कैसी होती है। तो जब इनकी फ्लावरिंग होती है इस समय इनको खाना पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी भी आप सुबह डाल दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा धूप हो रही तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और देखिए मैंने कल पानी डाला था, आज मैंने पानी नहीं दिया है, लेकिन अभी जाते जाते मैं इसमें पानी दो मग्घे डाल दूँगी ताकि ये और सुबह खिला खिला बिल्कुल रहे। तो जब कोई भी प्लांट होता है जब फ्लावरिंग करता है तो क्या होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद और पानी की दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ग्रोथ भी कर रहा होता है और फ्लावरिंग कर रहा होता है। जब कोई चीज़ मान लीजिए फ्लावरिंग हो रही है तो इसको सारे न्यूट्रिशन इस समय चाहिए होगा। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए कि इस समय फ्लावरिंग हो रही है तो मधुमालती के प्लांट में आपको करना क्या है कि जो है सब भर भर के बढ़िया सी खाद दीजिए और पानी बराबर डालिए, तो देखिए कितना बढ़िया जो है आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अब ये प्लांट मेरा काफ़ी ग्रोथ अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप लोग देखिए इसमें पत्तियाँ निकल रही हैं, पत्तियों के साथ में देखिए कलियों का गुच्छा बनना है, क्योंकि गुच्छे गुच्छे में फूल निकलते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे निकला हुआ है एक गुच्छा, एक यहाँ पे निकला हुआ है और एक यहाँ पे निकला हुआ है, तो इस तरह से फूल निकलते हैं गुच्छे में। तो इस समय इनको खाद पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्हीं सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट में 100% मतलब फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लोग अपने जो मधुमालती के प्लांट में इसी तरह केयर कीजिए, इसी तरह आप अपने प्लांट में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें करिए। और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती, कटिंग के बारे में मैं बताती हूँ आपको। कटिंग पे मैंने पहले वीडियो डाला है, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया दो प्लांट मैंने कटिंग से ऑलरेडी तैयार किया है, क्योंकि कटिंग लगाना इसकी बहुत आसान है। और कटिंग कब लगाई जाती है? जब बारिश हो, जब बारिश हो तब इसकी मोटी सी टहनी आप काटिए और लगाइए, और उसको जो है बारिश में ही रखना है आपको। देखिए फिर कुछ दिन बाद उसमें ग्रोथ हो जाएगी, रूट्स भी निकल आएंगी। तो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, मैंने कटिंग से तो बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, आपको दिखाया मैंने, कम से कम 3 प्लांट हैं। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला आप देखिए एक प्लांट है, और ये वाला प्लांट है, और ये वाला है, ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया है, और इसको मैंने रिपोर्ट भी किया था और आप लोगों को दिखाया भी था। तो आप लोग इसी तरह कटिंग से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं, तो नर्सरी में भी मिल जाता बहुत अच्छे दाम पे। तो आप लोग इसी तरह चाहे नर्सरी से ला के लगाइए, चाहे आप घर में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग से बना सकते हैं। अगर बनाना आता है तो आप बिल्कुल बनाइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।